Hey guys, in this video we will discuss about the second phase of open book examination in view of COVID-19 pandemic. So इसलिए दोस्तों जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है अब 14 सितंबर 2020 यानी कि नेक्स्ट मंथ जो सितंबर का महीना आने वाला है सितंबर का 14 सितंबर 2020 से जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का सेकेंड फेज है या दूसरा चरण है वो दोस्तों फिजिकल मोड प्लस ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी कि जैसे कि पहले हम लोग कॉलेज में ट्रेडिशनल मोड में एग्जाम देते थे वैसे जो कि वो 3 घंटे का होगा एग्जाम और जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट फेज का जो ये वो भी दिया है ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन. तो दोस्तों इसी प्रकार से ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन में 4 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और फिजिकल मोड में जो एग्जाम होंगे कॉलेज में उसके लिए आपको 3 घंटे दिया जाएगा. तो दोस्तों जो दिल्ली हाईकोर्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय जो है उसने दिल्ली विश्वविद्यालय को यह कहा था कि आप जो है एग्जाम लेने का सेकेंड फेज का जो एग्जामिनेशन लेना है स्टूडेंट्स का उसके लिए आप तैयारी करिए ताकि स्टूडेंट्स को आगे करियर में कोई प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से जल्दी एग्जाम लेके उनका रिजल्ट का कंपाइलेशन का जो है काम हो सके और रिजल्ट ऑन टाइम अनाउंस हो सके. ठीक है दोस्तों. तो अब दोस्तों बात करते हैं जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है इसके रिगार्डिंग जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप कहें तो कुछ कंसर्न है वो मैं आपको थोड़ा बतला देता हूँ विस्तृत रूप से. ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों पहला पॉइंट है ये जो सेकेंड फेज ऑफ ओबीई है ठीक है वह अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिसमें कि इंक्लूडिंग SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग NCVEP नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड और जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स है रेगुलर कॉलेजेस के. तो दोस्तों इसमें जो है इन तीनों को इंक्लूड करके इन सभी का एग्जाम मतलब कि जिन्होंने इन तीनों जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग NCVEP रेगुलर कॉलेजेस जो है उनके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब जिनका एग्जाम छूट गया था वो दोस्तों जो एग्जाम है ये सेकंड फेज में वाले में एग्जाम देंगे जिन्होंने कि अगस्त में एग्जाम नहीं दिए हैं किसी भी कारणवश तो ये बच्चे ये स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं. तो दोस्तों अब सेकेंड पॉइंट आता है जो कि ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो फिजिकल विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट होते हैं PWD उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और अच्छा भी आइडिया भी है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो PWD के कैंडिडेट्स हैं. सेकेंड फेज ऑफ जो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा या वो जो ये मैंने आपको बताया कि एग्जाम ब्लेंडेड मोड में होगा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में दोस्तों इनको जो है दोबारा से यानी कि एक फिर से अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए यानी कि एक अवसर प्रदान किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा कि अगर इनको जो ये PWD के कैंडिडेट्स हैं अगर इनको यह लगता है कि मेरे मार्क्स इस फर्स्ट फेज ऑफ ओबीई में मतलब सही नहीं आएंगे संतुष्ट अगर वो नहीं होते हैं फर्स्ट फेज वाले ओबीई से तो दोस्तों वो जो PWD के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं यूनिवर्सिटी में वह जो है हाँ ये एग्जाम दोबारा भी दे सकते हैं मतलब अपने मार्क्स को स्कोर कार्ड को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स. थर्ड पॉइंट जो है हाँ एग्जाम का जो ये मोड है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन यानी ब्लेंडेड मोड में होगा मैंने आपको पहले बताया या ब्लेंडेड मोड में लिया जा सकता है अभी बता दिया जाएगा आपको ऑन टाइम. ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा एक एग्जाम फॉर्म रिलीज किया जाएगा और उसकी डेट आएगी जो कि 30 अगस्त 2020 से वो फॉर्म जो है फिलअप करने के लिए स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा जिसकी जो लास्ट डेट होगी वह होगी 8 सितंबर 2020. उस 8 सितंबर 2020 तक यानी कि 30 तारीख से लेके 8 सितंबर 2020 तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो एग्जाम में अपीयर होने के लिए. ठीक है दोस्तों. अब जो है कंसर्न आता है कि जो भी आपका डिटेल है लाइक एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका मतलब कैंडिडेट नेम एग्जामिनेशन रोल नंबर
एनरोलमेंट नंबर और यूनिक पेपर कोड, कोर्स नेम, जैसे कि मेरा सीबीसीएस भी प्रोग्राम है, कोर्स कोड 501। तो आपको दोस्तों ये सब चीजें, आपके गार्जियन का नेम, पेपर नेम हो गया, पेपर कोड, जितने भी पेपर नेम है वो आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। मतलब आपको ठीक ठीक सब कुछ फॉर्म में डालना है, मतलब फॉर्म में मेंशन करना है आप लोग, सॉरी हाँ फॉर्म में डालना है वो, जैसे क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को एडमिट कार्ड रिलीज करना होगा आपके एग्जाम के लिए, मतलब इस सेकेंड फेज ऑफ जो ओबी होने वाला है उसके लिए। तो आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। तो आप सब लोग ध्यान से इस चीज को करें और कोशिश करें कि जल्द ही कर लें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये जो आपका डिटेल है, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं और या जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी फैकल्टी है, उनके द्वारा आपकी सारी डिटेल को पहले वेरीफाइड किया जाएगा डीयू के एग्जामिनेशन ब्रांच को पहुंचने से पहले, तब आपका जो है वहां पे फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको एग्जाम फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी टेक्निकल इशू है, कुछ भी समस्या आ रही है, तो वो अपने कंसर्न फैकल्टी डिपार्टमेंट या कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर सकता है। फिर जो पॉइंट आता है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने का वो 8 सितंबर 2020 से है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद यूनिवर्सिटी हाँ इस डेट को और आगे एक्सटेंड नहीं करेगी किसी भी हालत में। तो ये था आपके लिए एक थोड़ा सा चेतावनी यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। और जो सेकेंड फेज ऑफ ओबी होगा, जिसकी जो डेटशीट है, वह यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in, हाँ इस वेबसाइट पर आपको डेटशीट सितंबर के फर्स्ट वीक में सभी कोर्सेज के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो ये आपका एग्जाम होगा, ये दो सेशन में होगा, मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून या इवनिंग सेशन, इन तीनों में से किसी दो में हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत ध्यान देने वाली बात भी है, कि जो स्टूडेंट्स फिजिकल मोड में एग्जाम देंगे उनका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का ही होगा दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखें। और जो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम देंगे जो स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट्स है फाइनल ईयर ऑफ और फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स है, जो ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम देंगे, हाँ उनको 4 घंटे मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम दिया था कुछ दिन पहले, तो मुझे मेरा एग्जाम 3:30 बजे से था दोपहर के, और शाम के 7:30 बजे तक खत्म हुआ। तो दोस्तों इसमें आपको पहले की तरह ही 3 घंटा लिखने के लिए मिलेगा और 1 घंटा क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग, आंसर स्क्रिप्ट अपलोडिंग, स्कैनिंग एक्सेट्रा। तो दोस्तों पहले की तरह ही ओबी आप देंगे सेकेंड फेज वाला, जो स्टूडेंट देना चाहते हैं ओबी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों जो सबसे बड़ी दिक्कत है, या दिक्कत क्या कहें, मजबूरी भी है और कोविड चल रहा है, जो स्टूडेंट दिल्ली से बाहर है और वह ये चाहते हैं, या वो इंडिया से बाहर ही हो, मान लो होता है कुछ स्टूडेंट्स फॉरेन में भी जाते हैं, हो सकता उनके पेरेंट्स रहते होंगे वहां, हो सकता है, या किसी काम से कहीं बाहर गए, अगर वो ये चाहते हो कि उनका एग्जाम फिजिकल मोड में हो, तो दोस्तों आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही जो भी संबद्ध कॉलेज है उन्हीं के कॉलेज या महाविद्यालय में आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप फिजिकल मोड में एग्जाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि आप सबके लिए यूजफुल होगा, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं या देखेंगे, तो आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, या आप कहें तो एक नोटिफिकेशन या नोटिस, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी के साइट से निकाला और आपको एक सिंपल लैंग्वेज या सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।